आओ बेटे बैठो। वारिया कहाँ? वो नवाबशाह से उसके ताए आए थे, उनके साथ चली गई है। लेकिन आपने तो मुझसे कहा था कि उन्होंने आपको बेदखल कर दिया। आपके शौहर की मौत के बाद उन्होंने सब कुछ अपने कब्जे में लिया और आपको वहाँ से निकाल दिया। हाँ बेटा, बस दौलत की लालच इंसान को गासिब बना देती है। उनकी आंखों पर पट्टी बन गई थी, लेकिन अब वो पट्टी उतर गई है। उन्हें एहसास हो गया, उन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया और चलकर यहाँ आए हैं। मुझसे भी माफ़ी मांगी, फारिया से भी माजरत की, और फिर जाते हुए फारिया को अपने साथ ले गए। मुझसे पूछे बगैर फारिया यहाँ से कैसे जा सकती है? वो दरअसल बेटा मौका ही नहीं मिला तुम्हें बताने का। तुम नहीं जानते भाई साहब को, वो बहुत जिद्दी है। उनका फैसला तो पत्थर पे लकीर होता है। वो तो मुझे भी कह रहे थे कि मेरे साथ चलो, लेकिन मैं रुक गई क्योंकि मुझे तुम्हें इस घर की चाबियाँ देनी थी, तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था इसलिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई फारिया को मेरी इजाजत के बगैर यहाँ से भेजने की? मैं माँ हूँ उसकी, कैसी बातें कर रहे हो तुम? और वो उसके सगे ताया हैं। मुझे कोई भी फैसला लेने के लिए तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। यानी कि बहुत जल्द आप मेरे सारे एहसानात भूल गए। सारे एहसानात याद है मुझे भी और फारिया को भी, और हम सारी जिंदगी याद रखेंगे। अपनी फजूल बातें बंद करें और उसको फोन करें यहाँ पे वापस आए वो। फारिया वापस नहीं आ सकती। क्यों नहीं आ सकती? इसलिए कि उसके ताया ने उसे अपने घर की बहू बनाने का फैसला कर लिया। क्या? जो इज्जत उसे वो दे रहे हैं वो इज्जत उसे तुम नहीं दे सके, और मैं उसकी माँ हूँ, उसका मुस्तकबिल तारीख तो नहीं कर सकती ना। दिया आपने उससे, वो चला गया, आ जाएगा और अब की वो काजी को साथ लेकर आएगा। कॉल कर रहा था मुझे। खबरदार बिल्कुल मत उठाना। अब वही करना जो मैं तुम्हें कह रही हूं, समझ गई तुम? फराज भाई, आप जानते हैं कल का इवेंट ना सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से इतना सक्सेसफुल हुआ है, और मैं तो आज यहाँ पे आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। कल का दिन मानूर से मंसूब था, और मानूर की खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए कुछ भी नहीं, मगर आप सब लोग बार बार मुझे इस तरह से शुक्रिया अदा करके एहसास दिला रहे हैं जैसे मैं कोई गैर हूँ। नहीं फराज भाई, ऐसी कोई बात नहीं। पहले भी कहा था मैंने कि अगर भाई कहती हैं तो फिर समझेंगे। ऐसे मैं आपको दिल से अपनी बहन मानता हूँ। बर्थडे की तैयारी तो एक तरफ, लेकिन जिंदगी में आपको कभी भी कोई भी मसला हो, कोई परेशानी हो, मेरी हेल्प की जरूरत हो तो बिला झिझक मुझे कह सकती हैं। ओके, फिर मैं चलती हूँ। अरे भाई कुछ खा तो लो। हाँ आप थोड़ा सा कुछ खा लें, उसके बाद फिर हम आपको ड्रॉप कर देंगे और मानूर भी अपनी अम्मी से मिल लेंगे, है ना? ठीक है चलो। ओके। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चाय पियोगे? जी। आज तुम यहाँ हमारे घर खैरियत? मैंने सोचा तुम यूनिवर्सिटी से सीधे घर पे ही हो गए, तो घर पे ही आके मिल लो। थैंक यू। तुम तो जानती हो कि मेरी लाइफ कितनी एडवेंचरस है। मेरी लाइफ तुम्हारी लाइफ की तरह बिल्कुल भी बोर नहीं है। चाय। बाय द वे, तुम मुझसे मिलने के लिए आई थी? तुम यूनिवर्सिटी में मेरी जिस तरह हेल्प करते हो, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी रेगुलर लाइफ में भी मेरी हेल्प कर दो ना।
मसलन तुम मेरी लाइफ भी वैसे एडवेंचरस बना दो ना जैसे तुम्हारी अपनी लाइफ है। ओके माहिर। अजी भाई आज काफी देर लगा दी आते हैं। जी वो एक्स्ट्रा क्लासेस थी तो उसके बाद दोस्तों के साथ लेक्चर को डिस्कस करने में बैठ गया तो टाइम का पता ही चला देर हो गई। अच्छा तो हम एक्चुअली रमशा को घर छोड़ने जा रहे हैं कुछ देर हो जाएगी। ओके मगर पहले रमशा तुम कुछ खा तो लो। नहीं इसका हो गया खा लिया ना तुमने। चलो हाँ चलते हैं। बाय। सुने वो रमशा की कॉल आई थी बता रही थी कि मम्मी का बीपी बहुत हाई हो गया है। मैं क्या करूं रोज कोई ना कोई नई चिक चिक लगा के रखते हो तुम लोग। आई एम सॉरी दरअसल मैं अपनी उलझन में उलझा हुआ हूँ और मैंने तुम पे सारा गुस्सा निकाल दिया सॉरी। क्या हुआ सब खैरियत है ना? नहीं खैरियत नहीं है। खैर वो सब छोड़ो ये बताओ खाला को क्या हुआ? वही बीपी का इशू हुआ होगा। वो अपनी मेडिसिन टाइम पे क्यों नहीं लेती हैं? रमशा का बोला करो ना उनको टाइम पे मेडिसिन दें। दूसरों के लिए सरप्राइज प्लान करने का तो बहुत शौक है अपनी माँ का ख्याल नहीं रख सकती है? नहीं वो ख्याल तो रखती है लेकिन आज बीपी हाई होने के साथ साथ अम्मी की सांस भी रुक रही थी। क्या? हाँ वो इसीलिए उसने कॉल की थी कि आप उनके कंसल्टेंट से अपॉइंटमेंट ले लें। अगर आप बिजी हैं तो मानूर और फराज वहाँ पे हैं मैं उनसे कहती हूँ कि वो दोनों ले जाएंगे अम्मी को। किसको दिखाएंगे वो? पहली बात तो ये कि उनका कंसल्टेंट बगैर अपॉइंटमेंट के देखता नहीं और इतनी जल्दी उसका अपॉइंटमेंट मिलेगा नहीं तो अगर वो किसी अरे गहरे को दिखाना चाहते हैं तो शौक से जाएं। लेकिन अगर उसके बाद कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं होगी। समझाओ अच्छे तरीके से कुछ उल्टा सीधा करने की जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। हाँ अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गजल ले लेना आपकी बेगम साहब खुश हो जाएंगी। तुम्हें कैसे पता कि जरे से मेरी बेगम खुश हो जाएगी? वो इसलिए कि गजल सबको अच्छे लगते हैं सर। चलो दे दो फिर मैं भी कोशिश कर लेता हूँ अपनी बेगम को खुश करने की। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं वो रमशा का बैग रह गया था कल ये हमारे घर आई थी तो वो थी ना। बैग भूल गई थी जब घर पे मुझे तो याद ही नहीं रहा। हाँ और तुम आज यूनिवर्सिटी भी नहीं आई तो सोचा तुम्हारा बैग तुम्हें देने के लिए। आज बुक्स होंगी ना वो शायद सिर्फ पढ़ना हो। अम्मी की तबीयत की वजह से मुझे मानूर आपने मना किया था। इसका मतलब है कि तुम यहाँ ये बैग देने मानूर के कहने पर नहीं आए? जी आपके वो अच्छी तरह से जानती है कि आज रमशा यूनिवर्सिटी नहीं गई। अब नहीं वो एक्चुअली मुझे नहीं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात थी। चलता हूँ।
ये लड़का मुझे आइंदा इस घर में नजर ना आए। इस घर का रिश्ता फराज से, इसका आना जाना यहाँ बिल्कुल ठीक नहीं। वैसे ही मानूर की मेहरबानी की वजह से पूरे मोहल्ले की नजरें इस घर पर टिकी हैं और बातें करवाना चाहती हो, और यूनिवर्सिटी में भी इससे ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है तुम्हें, पढ़ाई करने जाती हो उसी पर ध्यान दो। ये पकड़ो, जाओ अंदर, लॉक करो दरवाजा। आपको नहीं लगता कि आपने बात बिगाड़ दी? वो अगर सच में पीछे हट गया तो, और अगर उसने आपके झूठ को सच मान लिया तो हम इस घर से भी हाथ धो बैठेंगे। तुम्हें खुद पे भरोसा नहीं? सकलैन कितना चालाक है ये तो आप भी जानती हैं। अगर सकलैन चालाक होता ना तो हमारी झूठी कहानी पर आंख बंद करके यकीन ना करता। हमने उसे क्या कहा था? हम नवाब शाह के बड़े जमींदार की धुतकारी हुई दुखी औरतें, और उसने फौरन यकीन कर लिया और तस्दीक भी नहीं की। और अगर उसने अब तस्दीक कर ली तो? असल में तुमने अपनी माँ को हल्का लिया हुआ है। मैंने बहुत मौका देख के निशाने पे तीर लगाया है। वो तुम पर दिलो जान से मरता है और अपनी बीवी से इंतहाई बेजार है। इन्हीं दोनों बातों से फायदा उठाने का तो वक्त है ये। वो देखो फोन आ गया। हेलो, फारिया का फोन क्यों बंद है? तो बेटा वहाँ सिग्नल इशू होगा ना, और वैसे भी तुम उससे बात करके क्या करोगे बच्चे? मैंने तुम्हें बताया तो है कि उसकी शादी होने वाली है और मैं भी जा रही हूँ वहाँ। ऐसे कैसे वो किसी से भी शादी कर सकती है? जरूर आपने जबरदस्ती की होगी उसके साथ। आप फारिया को फौरन वापस बुलाएं, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो फारिया को क्या कहकर बुलाऊं और क्यों रोकूं उसका घर बसने से? क्या मेरी बेटी का हक नहीं है वो इज्जत से जिंदगी गुजार सके? वो हक उसे मैं दूंगा, और क्या गारंटी है कि वो आपका लैंडलॉर्ड उसको हक देगा? उसने तो कई साल पहले आपको आपके हक से अलग किया। हो सकता है ये उनकी कोई चाल हो आप दोनों का हिस्सा अपने नाम लगवाने की। देखो सकलैन, मैं कुछ देखने और सुनने के मूड में नहीं हूँ। जैसा कह रहा हूँ वैसा कीजिए। फारिया को जल्द अज जल्द वापिस बुलाइए, और जब वो वापिस आ जाए तो मुझे बताइए, मैं उससे निकाह करने को तैयार हूँ। अच्छा ठीक है, फिर कल तुम काजी लेकर आ जाओ, फारिया पहुंच जाएगी। ठीक है। हार है काजी। आपको तो वाकई हल्का नहीं लेना चाहिए था। मैंने तो तुम्हें कहा था।